राष्ट्रीय आय। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था? नौरोजी, है ना दादा भाई? नौरोजी ने किया था, है ना। कब किए थे? 1863 में। ओके, 1863 में इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया था। इनकी एक किताब थी जिसका नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी किताब का नाम है। इसमें इन्होंने क्या बताया था? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये, है ना। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1863 में की गई, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। पहली बार वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? वी के आर वी राव ने। वी के आर वी राव, प्रोफेसर, प्रोफेसर वी के आर वी राव ने की थी। और की थी इन्होंने कब? 1931-32 में की थी। इसके साथ साथ इन्होंने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन भी किया, ठीक है। साथ ही राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन इन्होंने किया है, तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसको कहा जाएगा फिर? प्रोफेसर वी के आर वी राव को, जाहिर सी बात है ना। फिर स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। कब किया गया है? 1949 में, 1949 में। अध्यक्षता किसकी रही है? प्रोफेसर पी सी महालनोबिस, ठीक है, पी सी महालनोबिस की अध्यक्षता में, महालनोबिस अध्यक्षता में, ठीक है। इसी समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया? 1949, हाँ। इसी समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया? राष्ट्रीय आय, आय है भाई इनकम, लेखा प्रणाली का ढांचा और CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। बात समझ आई? यस सर। ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का ढांचा और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना राष्ट्रीय आय समिति की अनुशंसा पर की गई, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। इसका गठन हुआ था 1949 में। ओके,
अनुशंसा हुई थी 1949, मतलब 1949 के में गठित समिति के द्वारा। 1954 में नहीं, इसको मत। अप्रैल 1955 में, मतलब ये 1954 में इसके स्थापना की घोषणा हुई थी। किसके? सीएसओ की, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की घोषणा हुई थी 1954 में, लिख लो सीएसओ स्थापना की घोषणा 1954। 1955 अप्रैल सीएसओ ने काम करना शुरू किया, ठीक है। मतलब 1954 में घोषणा हुई और 1955 अप्रैल में ये काम करना शुरू किया। सीएसओ के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पक्षों की गणना करने का काम किसका है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है। राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पक्षों का गणना करने का काम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है ना। हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कब मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्यों मनाया जाता है ये? प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस का जन्मदिन भी है 29 जून, ठीक है। प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस का जन्मदिन है 29 जून, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी उनके जन्म दिवस के ही दिन मनाया जाता है। ओके, याद रखना है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। अब बात करें वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास विश्व में, तो ये 17वीं शताब्दी की देन है। पहली बात, 17वीं शताब्दी की देन है, ठीक है। इसमें दो लोग का योगदान रहा है, तो दो लोग कौन से हैं? एक तो हैं सर विलियम पेटी, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं बोयल गिलबर्ट, बोयल गिलबर्ट जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। बोयल गिलबर्ट, इन दोनों के द्वारा विश्व में पहली बार, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के रहने वाले हैं, 17वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास किया गया, ठीक है। लेकिन एक नाम आता है साइमन कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स का नाम आता है। इनको अगर देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास किया है ना, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास किया। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, नोबेल भी दिया गया इनको इसी काम के लिए, है ना, ठीक है। यस सर, क्या करते हैं? जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, कि एक वित्तीय वर्ष में, एक ही वित्तीय वर्ष में, कोई एक विशेष वित्तीय वर्ष हो सकता है, कोई एक देश क्षेत्र भी हो सकता है,
एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर रहने वाले लोगों, यहां पर लोगों का मतलब याद रखना, क्योंकि हमने यहां पर नागरिकों की बात नहीं की है, हमने सिर्फ लोगों की बात की है, ठीक है। और लोग का मतलब है नागरिक भी हो सकते हैं और गैर नागरिक भी हो सकते हैं, क्लियर है। रहने वाले लोगों के द्वारा या रहने वाले लोगों द्वारा या किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर अंदर सभी लोगों द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का समग्र मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। सर फिर से रिपीट, छूट गया, घरेलू सीमा की आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर रहने वाले लोगों द्वारा या किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी लोगों द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का समग्र मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, है ना। एक चीज याद रखना, जो जीडीपी है ना, इसमें जो वार्षिक परिवर्तन होता है, जीडीपी में ही होने वाला जो वार्षिक परिवर्तन है प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में ही होता है। तो जीडीपी में जो वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन होता है वो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बताता है। जीडीपी में, है ना, जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन किसी देश की अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर को बताता है या निर्धारित करता है, है ना। अगर वृद्धि हुई है 6.8%, मतलब इकोनॉमी हमारी बढ़ी है। अगर माइनस 4 point कुछ हुई है, मतलब इकोनॉमी हमारी घटी है, यही होगा। एक तो ये चीज याद रखने की जरूरत है। दूसरी चीज ये कि एक परिमाणात्मक दृष्टिकोण होता है जीडीपी ना, ये क्या होता है, ये परिमाणात्मक दृष्टिकोण है, परिमाणात्मक दृष्टिकोण होता है ये। परिमाणात्मक दृष्टिकोण का क्या मतलब है, इससे ये तो पता चल जाता है कि देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति कितनी है या कैसी है, ये क्या है। उसके साथ साथ देश में, उसके अलावा देश में उत्पादित जो उत्पाद हैं या सेवा हैं उनके गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चलता है। मतलब यहां पे किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में नहीं मालूम हो पाता है, लेकिन इतना जरूर मालूम होता है कि देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति कितनी है। कि जीडीपी एक परिमाणात्मक दृष्टिकोण है जिसमें आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता तो लग जाता है, लेकिन उत्पादित उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चल पाता है, ठीक है। इसी के आधार पर क्या किया जाता है, जो IMF है, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब क्या करते हैं, अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं इसी जीडीपी के ही आधार पर। मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था का, अगर देशों की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण या देश की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना है तो उसके लिए जीडीपी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसमें जो शब्द यूज किया गया, एक तो शब्द यूज किया गया वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना, मार्च, सिंपल है। पहले मार्च था, जुलाई हो गया है। सारी चीज इसमें एक और शब्द का यूज किया गया, देश की घरेलू सीमा। देश की घरेलू सीमा का क्या मतलब था,
घरेलू सीमा का मतलब है भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा, गहन सामुद्रिक क्षेत्र। गहन सामुद्रिक क्षेत्र, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र, सीमा अंतर्गत जल क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, अंतरिक्ष, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसके अलावा अगर देखें तो विश्व में सीमा अंतर्गत विदेशी अंतः क्षेत्र, विदेशों में क्या क्या होते हैं हमारे, शेष विश्व में लिख लीजिएगा जरूर, शेष विश्व में सीमा अंतर्गत विदेशी अंतः क्षेत्र, इसमें जैसे विदेशों में हमारे क्या होते हैं, दूतावास होते हैं, उच्चायोग होता है ना, वाणिज्यिक दूतावास होता है, वाणिज्यिक दूतावास होता है, ठीक है, हमारा सैन्य हवाई अड्डा भी हो सकता है, सैन्य हवाई अड्डा भी हो सकता है। ये सब हमारी घरेलू सीमा के अंदर आते हैं। हम जब समझा रहे थे तो हमने जब परिवार की बात की तो परिवार के सदस्य को हमने बंबई में भी एक रख दिया, एक हमने कनाडा में भी रखा, एक अमेरिका में भी रखा, एक दुबई में रख दिया, है ना, हमने उसको कई सारी जगह पे रखा था, बस समझे। तो वो उस परिवार के घरेलू सीमा की बात थी, तो उस परिवार की घरेलू सीमा का मतलब उस परिवार की घरेलू सीमा में बंबई भी आ सकता है क्योंकि वहां से भी इनकम है उसकी, दुबई भी है, अमेरिका, कनाडा भी है, तो देश की घरेलू सीमा इतनी सारी है। था सभी लोग का मतलब है कि नागरिक भी होंगे और गैर नागरिक भी होंगे, है ना। जी सर। अंतिम रूप से उत्पादित तो वस्तु का क्या मतलब हुआ, अंतिम रूप से उत्पादित का क्या मतलब है, मतलब किसी वस्तु सेवा को निर्माण कार्य के साधनों के अलग अलग मूल्यों को ना जोड़कर उसके अंतिम रूप से निर्मित वस्तु और सेवा से है। यहां पे कहने का मतलब है कि गेहूं की कटाई हुई, उसको ढुलाई हुई, मार्केट में गया, मतलब किसी फैक्ट्री में पहुंचा, आटा बनाया गया, आटा पैक हुआ, आटा पैक करके वो पहुंचा किसी बेकरी में, बेकरी में पहुंचा तो उसका बना ब्रेड, ब्रेड ही बनता ना, हाँ ब्रेड बना गया। अब जो ब्रेड बन गया अब खाया जाएगा, वो ब्रेड क्या है, अंतिम उत्पादित वस्तु है, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये तो पता होगा आप लोगों को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, नहीं पता, ये 200 नॉटिकल मील तक की दूरी होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है ना 200 नॉटिकल मील तक की दूरी होती है, किससे, समुद्री सीमा से, तटीय सीमा से, सॉरी तटीय सीमा से। और तटीय सीमा हमने भूगोल में आपको क्या बताया था, आधार रेखा का जिक्र किया था, आधार रेखा का जिक्र किया था ना एक हमने, जी सर। वही आधार रेखा, आधार रेखा या तटीय सीमा से समुद्री, जो समुद्र में 200 नॉटिकल मील की दूरी होती है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें हैं कुछ इसमें। जो अगर बाजार कीमत पर सकल उत्पाद देखा जाए, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद देखा जाए तो किसी, वही किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी भी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मतलब जैसे अभी सकल जीडीपी का हमने परिभाषा देखा था, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में रहने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा किए गए अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को हम जीडीपी बोलते हैं। तो यहां पर भी वही है, बस अंतर सिर्फ इतना है, जो भी उत्पादन किया गया अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का
उनका बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसकी जो इसका जो फार्मूला होता है जीडीपी एमपी बराबर, तो जीडीपी एफसी प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ये होता है जीडीपी एफसी का मतलब क्या होता है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर जीडीपी, ठीक है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के साथ जोड़ने पर प्राप्त मूल्य क्या कहलाएगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। अगर हम जीडीपी एफसी की बात कर लें तब क्या होगा, जीडीपी एफसी का मतलब है वही किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में सामान्य नागरिक और गैर नागरिकों द्वारा प्राप्त की गई कुल साधन आय, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होगा, ठीक है, मूल्य ह्रास भी शामिल होगा, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। फार्मूला क्या है इसका जीडीपी एफसी का, जीडीपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, मतलब यहां पर है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के योग से घटाने पर जो कीमत प्राप्त होती है वो होता है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। सब्सिडी सर इसमें जोड़ा जाएगा, हाँ माइनस, अब इसको चाहे माइनस कर लो सर, क्योंकि माइनस होना चाहिए ना, इधर आएगा तो, हाँ ये क्योंकि माइनस है, माइनस प्लस माइनस ही ना होगा फिर, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जीडीपी एफसी का मतलब है जीडीपी एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का क्या मतलब है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी में से सब्सिडी को माइनस कर दो, है ना, अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को माइनस करने के बाद हमको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होता है, ठीक है, चालू कीमत पर जीडीपी। एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर, सर एक बार रिपीट कर, एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य का अनुमान चालू कीमत पर लगाया जाता है। ब्रैकेट में लिख लो मौद्रिक जीडीपी, ये मौद्रिक जीडीपी होती है, ठीक है, मतलब ये कहने का है यहां पे कि अगर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि नहीं हुई किंतु उनकी कीमत में वृद्धि हो गई तो जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। प्रवाह में वृद्धि का मतलब है कि जैसे कल तक कोई एक चीज खरीद रहा था, आज वो दो चीजें खरीदने लग जाए, है ना, कल तक एक चीज की बिक्री एक किलो या 100 ग्राम का व्यापार हो रहा था, आज 200 ग्राम या 1 किलो का व्यापार होने लग गया, ये प्रवाह में वृद्धि है, है ना। अब वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए प्रवाह में वृद्धि ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई तो भी जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। स्थिर कीमत क्या होती फिर, स्थिर कीमत पर जीडीपी का मतलब है लेखा वर्ष रहेगा ही रहेगा, अंतिम वस्तु सेवा है ही है, रहेगी ही रहेगी,
घरेलू सीमा है, मतलब एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का अनुमान स्थिर कीमतों पर लगाया जाता है। स्थिर कीमत का मतलब आधार वर्ष की कीमत। इस समय आधार वर्ष क्या है हमारे यहाँ? 2011-12 बेस ईयर। चालू कीमत को मौद्रिक जीडीपी बोला था, वैसे इसको हम बोलेंगे क्या? वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है? इसको हम बोलते हैं एनडीपी। शुद्ध को निवल भी बोला जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद या निवल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, बात हो रही शुद्ध की, तो शुद्ध में क्या किया जाएगा? जाहिर सी बात है, अब सिर्फ उत्पादन का ही मामला नहीं है, अब मामला है घिसावट, मूल्य ह्रास का भी मामला आएगा। उसमें क्या परिवर्तन फिर करना पड़ेगा? सिंपल सा समझो, मूल्य ह्रास को घटा दिया जाएगा। मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो हमको मिलेगा वो हमारा होगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, मूल्य ह्रास का मतलब घिसावट, मशीनों में घिसावट भी आती है। ठीक है, उसकी वैल्यू भी कम होती है जैसे जैसे पुरानी होती जाती है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद में सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, सब कुछ वही है, इसमें सिर्फ मूल्य ह्रास को माइनस कर देना होगा। तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास कर दो, बस बात खत्म, बराबर आ जाएगा आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, उत्पादन के दौरान जो भी संसाधनों का यूज किया जाता उसके कारण उनके मूल्यों में भी कमी आती है, मूल्य में कमी या फिर मूल्य ह्रास दर जो होती है। अच्छा, मूल्य ह्रास दर कौन निश्चित करता है? मूल्य ह्रास दर सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। मूल्य ह्रास दर सरकार द्वारा निश्चित, सरकार द्वारा निश्चित होता है। लेकिन याद रखना, सभी देशों में एक समान नहीं होता है। सभी देशों में कैसा होता है? ये अलग अलग होता है। ठीक है, सभी देशों में अलग अलग होता है, ये हमें याद रखना है। भारत में कौन करता है मूल्य ह्रास का निर्धारण? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा मतलब प्रत्येक या फिर बोले तो विभिन्न उत्पादों में घिसावट की दर की सूची जारी की जाती है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अच्छा, शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, मूल्य ह्रास के कारण होने वाले नुकसान को समझने के लिए, होने वाले नुकसान को समझने के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखना, जीडीपी का प्रयोग विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहां पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रयोग विश्व अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए नहीं किया जाता है, ये बात जरूर याद रखनी है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रयोग वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए नहीं किया जाता। जब पूछा जाए क्यों नहीं किया जाता, तो उसका मतलब है आपको ये पता रहे, क्योंकि सभी देशों में मूल्य ह्रास दर अलग अलग होती है। ठीक है, आप अगर बात करें एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी क्या है? एनडीपी एमपी का मतलब होता है जीडीपी एमपी माइनस मूल्य ह्रास। जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाकर हम प्राप्त किए शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो मार्केट प्राइस पर, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाकर हम क्या प्राप्त करेंगे? बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को। अगर हम एनडीपी एफसी की बात करें, एनडीपी एफसी मतलब साधन लागत पर शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद क्या होता है?
तो यहां पर एनडीपी, अरे एनडीपीएमपी माइनस वही वाला फॉर्मूला जो हमने जीडीपी वाले, जीडीपी के बाजार कीमत पर यूज किया था, सॉरी साधन लागत पर यूज किया था। तो जीडीपीएमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, यही यूज किया था ना जीडीपीएफसी पे। जी सर। ठीक है, तो मतलब है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी से माइनस करने को हमको साधन लागत पर क्या बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भाई बोल देंगे एनडीपी एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी बोला जा सकता है इसको। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी होता है। ठीक है, तो ये हमको पता रहना चाहिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये क्या होता भाई, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको क्या बोलते हैं, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। शब्द में ही नेशनल लगा हुआ है, शब्द में ही राष्ट्रीय लगा हुआ है, मतलब यहां पर बात अगर उत्पादन की है तो सिर्फ और सिर्फ यहां के लोगों के द्वारा ही किया गया होगा, है ना, गैर नागरिक की बात नहीं होगी, सिर्फ नागरिक की बात अब होगी। मतलब परिभाषा सब कुछ वही रहेगी सेम, एक लेखा वर्ष रहेगा, मतलब सॉरी एक वित्तीय वर्ष रहेगा, एक घरेलू सीमा भी रहेगी, अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादित मूल्य भी रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। बदलेगा क्या, गैर नागरिक को हटा दिया जाएगा, सिर्फ देश के नागरिक को रखा जाएगा। बात समझे, और अगर आप नागरिक और गैर नागरिक दोनों को साथ में लेकर चलते हैं तो फिर जो हमारे बाहर में, जो हमारे यहाँ लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके उत्पादन को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, और अगर हम बाहर में रहने वाले लोगों के द्वारा, जो हमारे यहाँ के लोग रह रहे हैं बाहर उत्पादन करके अपना पैसा कौड़ी भेज रहे हैं, अगर उनको हम जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ जो रहने वाले गैर नागरिक हैं उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य है उसको माइनस करना पड़ेगा, तब हमको मिलेगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बात समझ आई, तो सबसे सिंपल तरीका है सिर्फ हम अपने नागरिकों की बात कर लें, क्यों किसी दूसरे के नागरिक द्वारा बात करें नहीं। तो किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल नागरिकों द्वारा, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, समझ गए, मतलब अगर हम ये करें कि राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय अगर हम देखें कि जीडीपी, देश की जीडीपी के साथ विदेशों से नागरिकों द्वारा प्राप्त आय को अगर जोड़ा जाता है तो उस देश में, जैसे हम ही मान लीजिए हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जीडीपी के अलावा हम जो विदेशों से प्राप्त हमको प्रेषण है उसको भी हम अगर जोड़ रहे हैं तो उस स्थिति में तो हमको सिर्फ और सिर्फ जीडीपी मिल रही है। लेकिन अब हमारे यहाँ जो गैर नागरिक हैं, जो दूसरे देशों के नागरिक हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उनके द्वारा उत्पादित जो मूल्य हैं, कीमतें हैं, उनको हमें माइनस करना पड़ेगा, मतलब घटाने के बाद उनके द्वारा जो प्राप्त इनकम होगी उसको घटाने के बाद हमको प्राप्त होगा अपना सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब एक चीज तो ये तय हो गई कि जहां जीडीपी में सब कुछ ले लिया जाता था कि नागरिक गैर नागरिक घरेलू सीमा सब कुछ जोड़ा जाता था ना, वो जीडीपी होती थी, तो जीएनपी में क्या हो रहा है कि नहीं भाई गैर नागरिक नहीं रहेंगे, सिर्फ नागरिक रहेंगे, विदेश से जो प्राप्त हो रहा है उसको अगर हम शामिल कर रहे हैं अपने जीएनपी में तो हमारे यहाँ पे विदेशी नागरिकों द्वारा जो प्राप्त इनकम है अपने यहाँ पे भेजी जा रही है, उनको वो अपने अपने घर पे भेज रहे हैं, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा।
जीडीपी में ऐसा जोड़ घटाव कुछ नहीं था, सॉरी घटाना कुछ नहीं, सब जोड़ना जोड़ना था। जीएनपी में हमने हमें क्या करना, घटाना भी है, जोड़ना है तो घटाना भी है। तो मतलब ये कहने का है कि अगर आप देखें तो जीडीपी अधिक होता है जीएनपी के मुकाबले, जीडीपी अधिक होता है जीएनपी के मुकाबले। देखिए जो जीएनपी होता है ना, जीएनपी इसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या करता है, ये किसी देश की बाह्य क्षमता, किसी देश की बाह्य क्षमता और राष्ट्रीय दक्षता, राष्ट्रीय दक्षता को दर्शाता है। जीएनपी जो होता है बाह्य क्षमता और राष्ट्रीय दक्षता को दर्शाता है, ठीक है, बात समझे? यस सर। मतलब कहने का ये है, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है, बाह्य क्षमता और राष्ट्रीय दक्षता को दर्शाता है जीएनपी, वो तक तो ठीक है अभी, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जीडीपी ज्यादा होता है जीएनपी के मुकाबले, ये भी हमने पढ़ लिया। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिए, ये कंडीशन जो है वो किसी विकासशील देश के लिए है, ये कंडीशन जीडीपी जहां अधिक होगी जीएनपी के मुकाबले, वो कंडीशन किसी विकासशील देश के लिए हो सकती है, हो सकता है वो भारत के लिए भी हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी अफ्रीकी देश के लिए हो सकता है, ये अमेरिका के लिए सही नहीं है। मतलब ये कहने का है कि जीएनपी किसी की बाह्य क्षमता और राष्ट्रीय दक्षता को दर्शा रहा है, मतलब जापान है या अमेरिका है या कोई रूस है या चीन है, कोई यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ सबके जो नागरिक हैं, यहाँ सबकी जो अपनी उत्पादन क्षमता है वो अच्छी खासी होगी ना। फिर तो ये बात याद रखना कि जहां पर जीएनपी ज्यादा है जीडीपी के मुकाबले, वो विकसित देश है, उन्हें विकसित माना जाता है, मतलब उस देश को विकसित देश कहा जा सकता है, कहा जाता है जहां का जीएनपी अधिक होता है जीडीपी के मुकाबले, सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले सकल राष्ट्रीय उत्पाद अधिक होता है। अब एक चीज और याद रखनी है, इसी जीएनपी के मुकाबले, सॉरी मुकाबले नहीं करना है भी, हमेशा मुकाबला ही नहीं होगा, इसी जीएनपी के बेस पर किसी देश की परचेजिंग पावर पैरिटी का आंकड़ा भी लगाया जाता है, ठीक है, जीएनपी के ही आधार पर किसी देश को परचेजिंग पावर पैरिटी में रैंकिंग दी जाती है, ठीक है, क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी का निर्धारण भी जीएनपी के आधार पर होता है, और जीएनपी के आधार पर किसी देश को क्रय शक्ति क्षमता रैंकिंग प्रदान की जाती है। ऐसे ही बात करें जैसे हमने जीडीपी का एमपी, जीडीपी एफसी बात किए, है ना, एनडीपी एफसी, एनडीपी एमसी, एमपी पे बात किए, अब वैसे ही हम बात करेंगे जीएनपी एमपी बराबर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो आप जीडीपी लिख सकते हैं प्लस, प्लस क्या होगा, विदेश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले नागरिक, नागरिक की आय या फिर उनका उत्पादन मूल्य बोल सकते हैं, माइनस, माइनस क्या करेंगे, देश में रहने वाले, देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों की आय, है ना, नागरिकों की आय, तभी हमको जीएनपी प्राप्त होती है। मतलब जो विदेश में रह रहे हैं उनका आप जोड़िए, विदेशी नागरिक का आप घटा दीजिए, जो विदेशी नागरिक अपने देश में रहकर उत्पादन कर रहे हैं उनका घटाइए, है ना, मतलब इनको इनको माइनस करिए, इनके साथ प्लस करिए। या फिर एक काम और है, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहां से प्राप्त हुई हमको, ये मिली है विदेश में रहने वाले नागरिकों की आय माइनस विदेशों में रहने वाले नागरिकों की आय से
देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों की आय को घटाने के बाद हमको प्राप्त हुआ है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, तो दो चीजें हमको एक्स्ट्रा में यह समझ में आई है, एक तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी इक्वल टू शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो गया। दूसरा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का मतलब है विदेश में रहने वाले नागरिकों की इनकम माइनस देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों की इनकम बराबर होता है, के बराबर होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के। एक तरीका और है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम कर दो, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ये क्या होता भाई, इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें सीधी सी बात है जो जीएनपी एमपी है, जीएनपी एमपी, अब जीएनपी एमपी की का फार्मूला क्या है हमको पता चल गया पहले ही, जीएनपी एमपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, जीएनपी एमपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जीएनपी एमपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों में रहने वाले नागरिकों की आय माइनस देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों की आय, ये हमें जीएनपी एमपी पता हो गया। अब आप अगर जीएनपी एफसी लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, या जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, या जीडीपी प्लस विदेश में रहने वाले नागरिकों की आय माइनस देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों की आय, ऐसा लिख सकते हैं। फिर माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस प्लस है सब्सिडी, यही करते आए हैं अभी तक एफसी में, हर एक के साधन लागत में हम यही करते आए हैं। अब यहां पे एक चीज और हो सकता है, जीएनपी एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, अशुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमने क्या बताया है, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटाने के बाद हमको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होता है, तो जीएनपी एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। आता है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या इसी को निवल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं, इसी को एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये बोल देंगे। हमने एनडीपी में क्या किया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या किया था, मूल्यह्रास को माइनस किया था, है ना, मूल्यह्रास को हमने घटाया, मूल्यह्रास को हमने घटाया था, तो एनएनपी में भी वही होगा, लेखा वर्ष भी रहेगा, देश के नागरिक भी रहेंगे, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य भी होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन मूल्यह्रास को घटाया जाएगा। और मूल्यह्रास मतलब जिसको सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो सभी देशों में एक समान नहीं बल्कि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है मूल्यह्रास, है ना जी सर, वही चीजें सब कुछ सेम रहेंगी, बस अंतर सिर्फ इतना ही रहेगा, वही जो जीएनपी वाला परिभाषा रहा है उसी वाले परिभाषा को हम एनएनपी पर लाकर सेट करेंगे यहां पर, लेकिन मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा। जैसे एनएनपी की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें एनएनपी एमपी बराबर, एनएनपी एमपी बराबर क्या हो जाएगा, एनएनपी एमपी बराबर क्या हो जाएगा, जीएनपी जीएनपी एमपी माइनस मूल्यह्रास। अब जीएनपी एमपी की बात हो रही है तो जीएनपी एमपी बराबर क्या होता है, ये सारी चीजें जीएनपी एमपी में आती हैं, ये सारी चीजें, ये जीएनपी एमपी है, ये जीएनपी एमपी है, ठीक है, समझे ना, ठीक है, हाँ याद रखना। और अगर हम ये मूल्यह्रास इस तरीके से नहीं करते हैं, हम एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस एट मार्केट प्राइस प्लस एक्स माइनस एम, ये भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कहा था तो हमने यहाँ पर किया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे का जो फार्मूला था वो क्या था, जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास, है ना, यहाँ पर भी देखिए जीडीपी एमपी कहाँ गया, जीडीपी नहीं, ठीक है, तो एनडीपी एमपी प्लस एक्स माइनस एम, एनडीपी एमपी का फार्मूला हमको पता होना चाहिए, एनडीपी एमपी बराबर ये होता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास होता है एनडीपी एमपी, ठीक है,
एक और है, एफसी का दूसरा आता है एनएनपी एफसी बराबर, एनएनपी एफसी बराबर क्या होगा फिर, तो जीएनपी करो एफसी के साथ, जीएनपी एफसी माइनस मूल्यह्रास। एक दूसरा भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, जीएनपी एमपी प्लस अप्रत्यक्ष कर, सॉरी जीएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, प्लस सब्सिडी, ये भी एक फार्मूला इसका है। अब जीएनपी एमपी आपको याद रखना कि क्या होता है, जीएनपी एमपी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एनडीपी एनडीपी एफसी प्लस एक्स माइनस एम, यहां पर एनडीपी एमपी प्लस एक्स माइनस एम किए थे, यहां पर हमने एनडीपी एफसी माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस एम कर दिया है, ठीक है। ये जो एक्स माइनस एम है इसमें एक्स का मतलब होता है निर्यात से प्राप्त आय, निर्यात से प्राप्त आय, ठीक है, या फिर नागरिकों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, बात समझे, एक्स मतलब क्या है, निर्यात से प्राप्त आय या नागरिकों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय, यह हमारा एक्स है। एम क्या है फिर, आयात में किया गया व्यय, या फिर विदेशी नागरिकों द्वारा अपने देश में भेजे गए भेजी गई आय, वो हो जाएगा एम, ठीक है। अभी बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय, हमने जीडीपी पढ़ लिया है ना, एनडीपी पढ़ लिया, जीएनपी पढ़ लिया, एनएनपी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, बात अब है राष्ट्रीय आय की, क्या आखिर राष्ट्रीय आय है क्या, राष्ट्रीय आय जो होती ना, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय, किसको बोलते हैं, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को, है ना, यस, मतलब एनएनपी एफसी ही आपका क्या है, राष्ट्रीय आय है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, NNPFC का फॉर्मूला क्या था भाई, GNPFC माइनस मूल्यह्रास, है ना, तो NNPFC बराबर हो गया GNPFC माइनस मूल्यह्रास, यही क्या है आपका, राष्ट्रीय आय है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, मतलब साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास की मात्रा को घटाकर प्राप्त किया जा सकता किया जाता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि, मापने की विधियां कौन कौन सी विधि होती है, एक होती है उत्पादन विधि, दूसरी होती है आय विधि, आय विधि, और तीसरी होती है व्यय विधि, ठीक है, ये तीन विधियां होती हैं। अगर हम उत्पादन विधि की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। उत्पादन विधि में क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है, ठीक है। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, उत्पादन विधि में क्या किया जाता है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ओके। उत्पादन विधि द्वारा जब राष्ट्रीय आय को मापा जाता है तो उसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए हमें, सावधानियां क्या रखनी पड़ती हैं,
उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना गणना में सावधानियां। पहली बात तो ये याद रखना कि जो पुरानी वस्तुएं होती हैं, पुरानी वस्तु के क्रय विक्रय को नहीं शामिल करते, ठीक है, क्रय विक्रय को शामिल नहीं करते हैं, ओके। दूसरी चीज जो शामिल की जाएगी वो उसी वित्तीय वर्ष में, जिस वित्तीय वर्ष में वस्तु को शामिल करना है उसी वित्तीय वर्ष में उसका उत्पादन भी होना चाहिए, ठीक है। शामिल की जाने वाली सभी अंतिम रूप से जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसी वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए। आगे है माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य नहीं शामिल होता है, ठीक है, माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य भी शामिल नहीं होता। अगला है पिछले वित्तीय वर्ष के स्टॉक के मूल्य को भी शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, इसको भी नहीं शामिल किया जाएगा, ओके। घर बगीचा में उत्पादित फल और सब्जी का मूल्य भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। स्वयं के उपभोग के लिए प्रयुक्त सेवाओं का मूल्य भी शामिल नहीं किया जाता है। तो उत्पादन विधि है ना, उत्पादन विधि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है ना। है आय विधि, आय विधि ये क्या है, आय विधि का मतलब क्या है, इस विधि में जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित कारक आय के कुल योग के रूप में की जाती है। मतलब अगर आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा या सामान्य नागरिकों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल योग के रूप में की जाती है। सावधानियां बरतनी होती हैं आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना इसमें क्या होता है, इसमें हस्तांतरित आय को शामिल नहीं किया जाता, हस्तांतरित आय शामिल नहीं होती है। हस्तांतरित आय क्या होती है, बेरोजगारी भत्ता छात्रवृत्ति और वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, बात समझे। दूसरी चीज गैर कानूनी या अवैध तरीके से प्राप्त आय, मतलब इसका क्या है, अवैध तरीका कौन सा हो सकता है, कोई जुआ खेल के जीता हो, ठीक है, सट्टेबाजी में भी इनकम होती है, चोरी किया हुआ हो, लूट किया हुआ, ठीक है,
ये सब गैर कानूनी तरीके से प्राप्त इनकम होती है, इनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा लॉटरी से प्राप्त आय, लॉटरी से प्राप्त आय इसको भी शामिल नहीं करते, ठीक है, ओके। शामिल किसको करते हैं? सेवानिवृत्त पेंशन, ये शामिल होती कि नहीं? ठीक है, सेवानिवृत्त पेंशन को शामिल किया जाता है गणना। तो व्यय विधि क्या है, पहली बात ये पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, कुल आय उपभोग और बचत में व्यय की जाती है। कुल जो इनकम होती है वो उपभोग और बचत में व्यय की जाती है, मतलब कि राष्ट्रीय आय कुल उपभोग व्यय और कुल बचत का योग होती है। जब हम व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उस स्थिति में राष्ट्रीय आय बराबर हो जाता है कुल उपभोग व्यय प्लस कुल बचत, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बराबर कुल उपभोग व्यय प्लस कुल बचत, बचत ठीक है ना, कुल बचत, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अब इसमें कौन कौन सी सावधानी रहेगी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, राष्ट्रीय आय की गणना, तो इसमें सबसे पहले देखें तो केवल अंतिम व्यय को शामिल करते हैं, केवल अंतिम व्यय को ही शामिल किया जाता है, दूसरी चीज पुरानी वस्तुओं पर किया गया व्यय, पुरानी वस्तुओं पर किया गया व्यय नहीं शामिल होता है, ठीक है। इसको शामिल करते हैं, यह शामिल नहीं होगा पुरानी वस्तुओं पर, उत्पादन विधि में भी हमने बताया था है ना, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय पर किया गया खर्च जो होगा राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल होता है, नहीं। इसके अलावा शेयर और बॉन्ड पर किया गया खर्च नहीं शामिल होता है राष्ट्रीय आय में, ठीक है। गणना वाले वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है, फिर से बोलिए तो सर। गणना वाले वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु का स्टॉक और गणना वर्ष में उत्पादित लेकिन वित्तीय वर्ष में ना बिका हुआ स्टॉक मकान मालिक द्वारा स्व आवास हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले, फिर से रिपीट एक बार, मकान मालिक द्वारा स्व आवास मतलब अपने आवास हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले मकान का आरोपित किराया ब्रोकर
ब्रोकर, कमीशन। फिर सरकार द्वारा नागरिकों को, सरकार द्वारा नागरिकों को, इसी के आगे अगला पॉइंट, सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली, सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवाएं, निःशुल्क सेवाएं, मुफ्त सेवाएं बोल दो, निःशुल्क, ठीक है। अगला पॉइंट, सैनिक सुरक्षा सेवा पर किया गया व्यय, सैनिक सुरक्षा सेवा पर किया गया व्यय, कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला लाभांश, कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला लाभांश, ठीक है। भविष्य निधि कोष में, भविष्य निधि कोष में मालिकों द्वारा किया गया अंशदान, मालिकों द्वारा किया गया अंशदान, ठीक है। संसद सदस्यों को, संसद सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता, विदेशी पर्यटकों द्वारा, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया व्यय, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया व्यय हो गया। अगला पॉइंट भी लिख लीजिएगा, विदेशों में स्थित, विदेशों में स्थित भारतीय बैंक की शाखाओं द्वारा, विदेशों में स्थित भारतीय बैंक की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ, देखिएगा, शामिल न की जाने वाली मदें, शामिल न की जाने वाली मदें, ठीक है। लिखिएगा, नई या पुरानी वस्तु, नई या पुरानी वस्तु जो गणना वाले वित्तीय वर्ष में उत्पादित ना हो, जो गणना वाले वित्तीय वर्ष में उत्पादित ना हो। दूसरा पॉइंट, विदेशों से प्राप्त उपहार, विदेशों से प्राप्त उपहार, हो गया। अगला पॉइंट है, पूंजीगत लाभ हानि, पूंजीगत लाभ हानि और अप्रत्याशित लाभ, अगला पॉइंट, किसी फर्म द्वारा, फर्म, किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की, रखे गए स्टॉक की कीमतों में वृद्धि, हो गया। Yes, sir. अगला पॉइंट है, एक होटल द्वारा, एक होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियां, क्रय की गई सब्जियां और अन्य उत्पाद, ठीक है। लॉटरी वॉटरी वाला हम पहले लिखवा चुके हैं, इसलिए वो सब नहीं लिखना चाहता। अगला पॉइंट, भारत में विदेशी बैंकों द्वारा, भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ, ठीक है।
बैंकों द्वारा उसके बाद क्या बोले? अर्जित लाभ। अगला पॉइंट, वैज्ञानिक खोजों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, लिखिएगा वैज्ञानिक खोजों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं। अगला पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त राशि, विनिवेश से प्राप्त राशि, ठीक है। तो याद रखना। अगला पॉइंट लिखिएगा, भविष्य निधि कोष में स्वयं कर्मचारियों द्वारा किया गया अंशदान, ठीक है, स्वयं कर्मचारियों द्वारा किया गया अंशदान। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, एक गृहस्थ द्वारा अपने घर पर किए जाने वाले कार्य या सेवाएं, किए जाने वाले कार्य या सेवाएं, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, हस्तांतरण भुगतान और प्राप्तियां। हम बताए थे भाई, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, ये हस्तांतरण भुगतान होते हैं, इनको भी शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना? क्या सर? लागत के आधार पर, अलग से ही लिखना है इसमें, लागत के आधार पर किसी वर्ष के लिए जीडीपी कम होती है, जबकि मूल्य के आधार पर किसी वर्ष, ना भी लिखो, मूल्य के आधार पर जीडीपी अधिक होती है, ठीक है।